बेस्ट बुक कौन सा है पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपी से हो, झारखंड से हो, एमपी से हो, ऑल ओवर इंडिया, आप किसी भी स्टेट से हो और पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बेस्ट बुक सजेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब पॉलिटेक्निक पहले जैसा नहीं रहा है। अब पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में बिना पढ़े आप एक अच्छा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं पा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मन की फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए बेस्ट बुक कौन सा है। काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि आप सभी के लिए बेस्ट बुक कौन सा है, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं। फाइनली आज आप सभी के लिए एक बुक लेकर आए हैं, यह काफ़ी अच्छा बुक है, इससे हमने भी पढ़ाई किया है। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं। दोस्तों मैं बिहार से हूं और मैंने भी बिहार पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है 2020 में और क्रैक भी किया है, सिविल ब्रांच मुझे भी मिला था। तो कैसे हमने पढ़ाई किया है, कौन कौन से टाइम टेबल को फॉलो किया, कौन कौन से बुक को पढ़ा है, सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। बट आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि बेस्ट बुक कौन सा है पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप यूपी से हो, झारखंड से हो, एमपी से हो, ऑल ओवर इंडिया, आप किसी भी स्टेट से हो और पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बेस्ट बुक सजेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब पॉलिटेक्निक पहले जैसा नहीं रहा है। अब पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम में बिना पढ़े आप एक अच्छा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं पा सकते हैं, इसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सही डिसीजन, सही स्ट्रैटेजी बनानी ही होगी। दोस्तों आपको दिखला दें, यह फिजिक्स का है, यह पूरा ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपको दिखला दें थोड़ा सा, आपको दिखला दें यह पूरा ऑब्जेक्टिव है ना, यह पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है। और यह बुक काफ़ी शानदार बुक है, इसमें 1000 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये बुक में 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और सभी में इसमें क्या है आपको बता दें, इस बुक में जैसे फिजिक्स में है तो लाइट चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रिक चैप्टर हो गया, हीट चैप्टर हो गया, तो यह सभी चैप्टर को वो सब्जेक्ट वाइज जो है ना 100-200 क्वेश्चन का जो VVI क्वेश्चन है उसका वेटेज निकाल के दिए हुआ है। तो अगर आप इसको अगर आप अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो आपका 100% गारंटी है कि आपको एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। ये भारती भवन का है, अगर आपके यहाँ इस प्रकार के प्रकाशन चलता हो तो आप ले सकते हैं, अगर आपके यहाँ नहीं चल रहा है तो आपके यहाँ लुसेंट का चल रहा होगा या ब्रिलियंट का चल रहा होगा, तो आप ब्रिलियंट या लुसेंट या सभी प्रकाशन का आप ले सकते हैं। काफ़ी शानदार और अच्छा बुक है, अगर आप पढ़ते हैं इससे तो 100% बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन होना तय है। अगर आपको यह बुक नहीं मिलता है, मान लीजिए कि यह बुक अगर नहीं मिलता है और आप चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 को क्रैक कैसे किया जाए, तो उसके लिए दो स्ट्रैटेजी है। पहला कि आप अभी से ही, मान लीजिए अभी जनवरी चल रहा है तो अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, है ना, अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और रेगुलर बेस पर पढ़िए 9th और 10th का अपना बुक लेकर, 9th और 10th का अपना बुक लेकर पढ़ाई करें। YouTube से बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर YouTube से पढ़ाई करें या नहीं करें, तो एक पिछले वीडियो आप सभी के लिए हमने बताया था कि YouTube से पढ़ाई करें या नहीं करें, तो आप सभी को हमने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ आप सेल्फ स्टडी करें और YouTube का हेल्प लें। मान लीजिए कि सेल्फ स्टडी करने में जहाँ डाउट लग रहा है, जहाँ आपको प्रॉब्लम फंस रही है, आप YouTube पर आइए, सर्च कीजिए, उसको सोल्यूशन लीजिए और हट जाइए। YouTube पर ज़्यादा देर टिके नहीं, YouTube पे जानते हैं अच्छा पढ़ाई वहाँ पर होता है, बट यहाँ पर जिस प्रकार से आपके समय को बर्बाद किया जाता है उस प्रकार से आप सेल्फ स्टडी में नहीं बर्बाद करेंगे, इसलिए आप वहाँ सेल्फ स्टडी करें, डाउट फंस रहा है आप ऑनलाइन चले आएँ, यूट्यूब पे आएँ, अपने डाउट को क्लियर करें और हट जाएँ, है ना। और आपको अगर इस बुक मिल रहा है तो ठीक है, नई बुक मिल रहा है तो आप 9th 10th का NCERT बुक से पढ़ाई करें और सेल्फ स्टडी करें और अभी से ही करें। बिहार से हैं तो आप सभी के लिए स्पेशल बोलना चाहते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक अब पहले जैसा नहीं रहा, इसमें भी बहुत टॉप लेवल के कंपटीशन देखने को मिल रहा है, 2-2 लाख 3-3 लाख बच्चे इसमें अपेयर हो रहे हैं और इंट्रेंस एग्ज़ाम वैकेंसी मात्र मतलब सीट जो है 10,000 के ही आसपास सीट है, तो
टॉप लेवल का है, इसमें भी कंपटीशन थी, इसलिए आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें। आप सभी का जो फॉर्म है मार्च से अप्रैल में आने वाला है, यूपी का भी मार्च से अप्रैल में, और झारखंड, यह सभी मार्च अप्रैल में ही रिलीज कर देती है फॉर्म को, है ना। अगर आपको फॉर्म से रिलेटेड डाउट चाहिए क्लियर करना है, या बेस्ट बुक स्ट्रेटेजी जो आपको ये हमने बता ही दिया है, आपको किसी भी तरह का डाउट अगर हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा हद तक प्रयास करेंगे आप सभी को बताने का। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।